हे गाइस, नीरज बोल रहा हूँ सिद्धार्थ नगर यूपी से। और ये हमारा फर्स्ट टैंक है जो कि फिनिश होने वाला है। इसको अंदर से दिखाते हैं, चलो। ये देखो, ये आज फिनिश हो जाएगा प्लास्टर। और ये क्या बोलते हैं, नहला जो चिकना करते हैं वो हो गया है। पर इसका हो रहा है, उस बचा है स्लोप का। स्लोप देखो 2.5 फीट का अपन स्लोप है, मतलब यहाँ अगर जो ये देखो ढलान, बड़ी अच्छी ढलान है यहाँ पे 2.5 फीट। सबसे ज़्यादा पैसा इसमें ढलान नहीं लगाया है। ढाई फीट का है, मतलब सेंटर से वॉल तक की हाइट इसकी 2.5 फीट है। ठीक है, 2.5 फीट का स्लोप है। सब कुछ हो गया है, बस ये नीचे का आज हो जाएगा और इसके बाद ये दीवार जुड़ जाएगी। इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा आउटर का। इसमें एक दो दिन बाद इसमें पानी छोड़ देंगे रखने के लिए। इसका ये प्लास्टर हो गया है। मेरा रूम जो है जो रूम बन रहा था हमारा स्टोर रूम, सामान वगैरह इसी में रहेगा, वो प्लास्टर होना है। और इसके अलावा चैम्बर, चैम्बर देखो ये है, पाइप निकला आउटलेट का। ये हमारा कितना है, 3 फीट जमीन से ऊपर है और उतना ही नीचे भी है जमीन के। देखो ये ऊपर से दिख रहा है ढाल इसके। ये हमारा पहला टैंक है, अभी तक पहला ही नहीं हो पाया है। इसके अलावा दूसरा टैंक भी काम चल रहा है स्लोप का, इसको भी दिखा देता हूँ। देखो स्लोप बन रहा है, बड़ा मटेरियल लगता है इसमें। ये देखो आधा स्लोप ऑलमोस्ट बन गया है। इसके बाद वो बचा हुआ है, इसके बाद एक और बचा हुआ है। तो पहले टैंक को मैं A to Z फिनिश करा रहा था ताकि इसमें स्टॉकिंग वगैरह कर सकूं। ठीक है, तो मैंने वही सोचा थोड़ा अपडेट दे देता हूं आपको टैंक के बारे में। ये था, इसको फिनिश करा लेते हैं। फिर इसके बाद अभी ब्लोअर वगैरह मेरा 2 दिन में आ जाएगा, तो ब्लोअर जब आएगा तो उसके भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इसमें 3 HP का ब्लोअर चलेगा चारों टैंक में। इसकी एक टैंक की मैं बात करूँ कैपेसिटी की, तो इसमें डायमीटर जो मैंने कल नापा था, इनर डायमीटर दीवार के अंदर का डायमीटर, वो 7.7 मीटर है। एंड स्लोप एंड 1 मीटर हाइट ले ले पानी की, तो टोटल इसमें 55,000 लीटर पानी आएगा एक टैंक में। चाहिए गाइस सेम 55,000 इसमें भी, सेम 55,000 इसमें। और ये वाला जो टैंक है ये थोड़ा छोटा हो गया है, तो नापने में गलती हो गई थी इनसे। इसका स्लोप भी बनाना है अभी। ठीक है, तो ये था छोटा सा अपडेट। और बाकी मटेरियल वगैरह देखो पड़ा ही है, अभी लेबर वगैरह आने वाले हैं, मिस्त्री वगैरह काम शुरू होगा। अभी बहुत काम बचा है गाइस। एक तो बरसात का सीजन भी है, ये तो कब बरसात नहीं हुई 2-3 दिन से, अदरवाइज काम रुक जाता। ठीक है, चलो फिर मैं आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता हूँ 2-3 दिन बाद। तब तक हो सकता है इसमें पानी भी भर गया हो थोड़ा सा बेस में, और ब्लोअर वगैरह भी आ गया हो। ठीक है, तो उसका अपडेट मैं दूंगा आपको। चलो फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।